Good morning, students. I am Ashutosh, and you are welcome to my online maths classes. बच्चों, मैं कुछ प्रसंग सुना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, मजा आएगा. एक जिले में एक एसपी या डीसी थे. हर एक जिले में होते हैं. उनके यहाँ एक शानदार पार्टी थी, वो भी शादी वाली, मतलब उनकी बेटी की शादी होने वाली थी. तो बाराती में काफी लोग आए, काफी बोले तो 50 लोग आए. और शानदार पार्टी थी, जबरदस्त पार्टी थी, एक से एक आइटम थे उसमें खाने पीने के लिए. कई महीनों से, कई सालों से एक चौकीदार जो है वह शिकायत कर रहा था एसपी सर से कि सर जी, हमारा पेमेंट बढ़ा, हमारा पेमेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर है, जो इंस्पेक्टर है उससे ज्यादा कड़ी मेहनत, ज्यादा समय तक हम लोग करते हैं, तो ज्यादा पैसा हमें मिलनी चाहिए, न कि इंस्पेक्टर को. तो एसपी ने कहा ओके, इसके लिए एक छोटा टेस्ट भी होना चाहिए. सर बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट भी देंगे हम लोग, उसमें भी पास होंगे. तो टेस्ट लेने का समय था वो, जब उनके यहाँ शादी थी उनकी बेटी की, और बाराती लोग आए हुए थे गाजे बाजे के साथ खाने पीने के लिए. तो जब खाने की बारी आई, वो लोग बैठे, उन लोगों का स्वागत हुआ, तो अलग अलग चौकीदार को और इंस्पेक्टर दोनों को अलग अलग भेजा और अलग अलग समय में भेजा. चौकीदार जी, आप जाइए और पता करके आइए कितने लोग मांसाहारी हैं और कितने लोग शाकाहारी हैं, मतलब कितने लोग मीट खाने वाले हैं, कितने लोग मीट नहीं खाने वाले हैं. उसी तरह अलग समय में, उसी दिन, वही टाइम पे, अलग समय में सब इंस्पेक्टर को भी भेजा कि जाओ इंस्पेक्टर, तुम पता करके आओ कितने लोग मांसाहारी, कितने शाकाहारी. तो दोनों जब वापस आए तो चौकीदार जी ने कहा कि सर, 50 में से 25 लोग शाकाहारी हैं, 25 लोग मांसाहारी हैं. हाँ सर, काफी गदगद था चौकीदार. इंस्पेक्टर भी आया, उसके हाथ में एक कागज था और एक पेन था. उसने कहा कि सर, 25 लोग मांसाहारी हैं, 25 लोग शाकाहारी हैं, और 25 जो मांसाहारी हैं उसमें से 10 लोग मीट खाने वाले हैं, 10 लोग मछली खाने वाले हैं, और जो 5 लोग हैं वो चिकन, मतलब मुर्गा खाने वाले हैं. तो चूंकि वैरायटी काफी बनी थी और दोनों एक जगह था, तो एसपी ने कहा चौकीदार को, बाबू तुमने देखा कि दोनों को समान काम दिया, लेकिन तुम सिर्फ, मैंने जितना कहा गिनने के लिए उतना ही गिना, और इंस्पेक्टर ने उससे थोड़ा और दूर जा करके गिना, मतलब उसने अपनी कुशलता का, अपना कौशल का उपयोग किया. तो बच्चों, आपने क्या देखा, क्या समझा, दोनों को कौन सा काम दिया गया था? आप सोचिए, दोनों को काम क्या मिला था? गिनने का काम मिला था, है ना? दूसरा प्रसंग सुनो. हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में क्या होता है, मध्याह्न भोजन बनता है, मतलब MDM, मिड डे मील हम लोगों को खिलाया जाता है, बच्चे लोगों को खिलाया जाता है. तो
शुरू में ही जब बच्चे प्रेयर प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद बारी आती है बच्चों को गिनने की, कितने बच्चे हैं उसी के अनुसार तो चावल दाल सब्जी वगैरह जो भी कुछ है वो पढ़ने वाला है, मिलने वाला है। तो सर ने कहा, हेड सर ने कहा कि आज तो सर थोड़ा बच्चे लोगों को गिन करके बताइए तो आज कितने बच्चे आए हैं। तो मैंने गिनना स्टार्ट किया, क्लासरूम गया, गिनना स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा बोला कि सर आज 15 नहीं। मैंने कहा क्यों? लगे सर आप गिन रहे थे जीरो से थोड़े ना गिना जाता है, मतलब उस छोटे बच्चे को भी पता है कि जीरो से गिनती नहीं गिनते हैं बल्कि एक से गिनती गिनते हैं। कहीं भी गिनती की शुरुआत करेंगे तो ऑटोमेटिक स्वभाव से नेचुरल ढंग से शुरुआत करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मतलब छोटे बच्चों को भी पता है क्योंकि ये नेचुरली उसके अंदर आ गया है। तो वह जो बच्चे ने बताया कि गिनते हैं हम लोग 1 से 1 से, तो वही तो मैंने कहा बच्चे को, तो वही तो मैं सिखाने आया हूँ, वही तो मैं सिखाना चाहता हूँ कि गिनती की जो संख्या है उसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। तो बच्चों आज हम जानने वाले हैं प्राकृत संख्या, मतलब नेचुरल नंबर, इसी को हम लोग बोल सकते हैं स्वाभाविक संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक, अपने आप। जब भी कहीं गिनती की बात हो अपने आप स्टार्ट करेंगे 1 से ही या 1 से ही, इसीलिए इसका तो नाम है नेचुरल, मतलब स्वाभाविक, अपने आप, है ना। तो किसको बोलते हैं गिनती की संख्या को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या, ठीक है बच्चों। गिनती की संख्या को, है ना, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और वो स्टार्ट होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या यहीं तक? नहीं, ये आपका चलता जाएगा कहाँ तक, उसको बोलते हैं, ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं हम लोग अनंत। कुछ भी हो सकता है, उसकी सीमा नहीं है, असीमित है, ओके। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ये फिक्स है, क्योंकि कहीं भी हम लोग गिनते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपका 1 से ही स्टार्ट होता है, इसलिए इसका नाम है स्वाभाविक संख्या या प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, ओके बच्चों। अब कोई पूछे कि नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या में सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो इसमें सबसे पहला कौन सा है? 1, 1 है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो जाएगी 1। और बोले कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, दिख रही है? संभव नहीं है, यहाँ क्या होगा उसका आंसर? संभव नहीं है। तो बच्चों मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे इस कहानी, इस स्टोरी के माध्यम से कि प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, कि वो गिनती की संख्या होती है, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो आज बस इतना ही,
मिलते हैं अगले कक्षा के अगले वीडियो में दूसरी संख्या के साथ। थैंक यू बच्चों।